but now is running offline and online teaching English. So if you're new on this channel, so please subscribe to our channel. Press the bell icon so that you will get all notifications of our latest uploads. So आज के इस वीडियो में हम स्पोकन इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं जो आप अपनी डेली लैंग्वेज में इंक्लूड करके अपनी लैंग्वेज को बहुत ही फ्लुएंट, स्टैंडर्ड एंड इम्प्रूवेबल बना सकते हैं. सो आज के इस वीडियो में हम 18 सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे. मैं इन सारे सेंटेंसेस के मीन्स बताऊंगी और ये इनका इस्तेमाल कहाँ होता है वो भी आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं. तो एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को, याद कर लीजिएगा ये सारे के सारे सेंटेंसेस. सो लेट्स स्टार्ट नाउ दिस वीडियो. फर्स्ट सेंटेंस इज दैट, कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ. कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ. अब ये सेंटेंस हम कब बोलेंगे, जब हमें किसी से कुछ क्वेश्चन पूछना हो या कोई बात करनी हो. तो कोई भी परिचित व्यक्ति जो नहीं है, जिसे हम पहली बार मिले, तो आई होप सो हमारा जो मैनर्स है वो यही कहता है कि हम पहले उस व्यक्ति से पूछे कि हम उससे कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं या नहीं. सो पहले हम उससे परमिशन लेंगे. सो कैसे बोलेंगे, कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ. सो इस तरह से हम ये क्वेश्चन अप्लाई करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट, ही इज अ सिंपल मैन. ये तो सिंपल सा ही सेंटेंस है, वह साधारण आदमी है. मतलब कोई विशेष पर्सन नहीं है, कोई महान पुरुष नहीं है. ही इज अ सिंपल मैन, वह साधारण व्यक्ति है, साधारण आदमी है. नेक्स्ट, हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है. अब ये सेंटेंस हम मैक्सिमम कहाँ यूज करते हैं, जैसे फोन कॉल अटेंड कर रहे हैं तो किसी ने अननोन नंबर से कॉल आया तो हम क्या पूछेंगे, हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है, इस तरह से. नेक्स्ट, यस आई कैन हियर यू, हाँ मैं तुम्हें सुन सकता हूँ. अब ये सेंटेंस हम कब अप्लाई करेंगे, जब किसी ने हमसे पूछा कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, तो हम क्या बोलेंगे, यस आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ. नेक्स्ट, माय फोन इज रिंगिंग, मेरा फोन बज रहा है. यदि हम अपने रूम में हैं और हमें आवाज आ रही है तो हम किसी से बोलेंगे फोन उठाने को, मेरा फोन बज रहा है, माय फोन इज रिंगिंग. नेक्स्ट, रिपीट अगेन एंड अगेन, बार बार दोहराओ. ये हम कब बोलते हैं, बच्चों को जब हम कोई लेसन रिमेम्बर करवाते हैं, लर्न करवाते हैं, तब उनको ये सेंटेंस बोला जाता है. रिपीट अगेन एंड अगेन, बार बार दोहराओ, मतलब तभी तुम्हें ये चीज याद होगी. इस तरह से, कीप वॉकिंग स्ट्रेट, सीधे चलते रहो. मतलब कहीं हम जा रहे हैं और हमें सीधे रास्ते पर जाना है, कहीं टर्न नहीं लेना है, तो हम क्या बोलेंगे, कीप वॉकिंग स्ट्रेट, सीधे चलते रहो. नेक्स्ट, बी सेंसिबल, समझदार बनो. बी सेंसिबल मतलब गंभीर बनो, समझदार बनो. नेक्स्ट, डोंट गिव अप, हिम्मत मत हारो, मतलब कभी मत छोड़ो, कोशिश करना कभी मत छोड़ो, ये भी कह सकते हैं. डोंट गिव अप, गिव अप का मतलब ही होता है हिम्मत मत हारो. नेक्स्ट, डिड यू गेट इट, क्या तुम्हें समझ आया. डिड यू गेट इट या डिड यू अंडरस्टैंड, मतलब क्या तुम समझ गए, या डू यू अंडरस्टैंड बोलेंगे. अंडरस्टैंड ऑब्वियसली सेकंड में आ जाता है, तो डिड यू गेट इट के लिए क्या तुम्हें समझ आया, या डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझ गए. नेक्स्ट, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है. मतलब किसी चीज के बारे में यदि हमको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन नहीं है और हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या पूछेंगे, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है. नेक्स्ट, लेट्स प्ले अंताक्षरी, चलो अंताक्षरी खेलते हैं. अब ये हम कभी कभी जब स्कूल टाइम में हम इकट्ठा होते हैं या किसी पार्टी में इकट्ठा होते हैं, तो जब हम ग्रुप बनाकर बैठते हैं तो हम यही बोलते हैं, लेट्स अंताक्षरी या लेट्स प्ले अंताक्षरी, इस तरह से बोल सकते हैं. नेक्स्ट, आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई अंदाजा नहीं है. आई हैव नो आइडिया मतलब मुझे इस चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है, या आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, तरह से भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं. एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं. नेक्स्ट, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है. अब ये हम किसी से जब किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं या किसी का इंट्रोडक्शन लेते हैं, तब हम उससे जानकारी के लिए पूछ सकते हैं, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर या व्हाट इज योर कॉन्टेक्ट नंबर, इस तरह से. नेक्स्ट, What can I do for you? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ या मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ. What
कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट आई वॉन्ट अ लैपटॉप, मुझे एक लैपटॉप चाहिए। मतलब यदि आपको किसी ऑफिशियल वर्क के लिए लैपटॉप की नीड है तो आप क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट अ लैपटॉप, मुझे एक लैपटॉप चाहिए। आज के वीडियो का हमारा लास्ट सेंटेंस है कीप द क्लॉथ्स प्रॉपरली, कपड़ों को ठीक से रखो। कीप द क्लॉथ्स प्रॉपरली मतलब बिल्कुल सिस्टमेटिक रखो, यहाँ वहां ना फेंको। सो डू यू अंडरस्टैंड दीज ओवर 18 सेंटेंसेस ऑफ स्पोकन इंग्लिश। आई होप सो आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा एंड अंडरस्टैंड किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज आई कैन शेयर दिस वीडियो, press the bell icon, subscribe to my channel so that you will get all notifications of our latest uploads. Thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.